तो आज की वीडियो में हम कुछ रेसलिंग की क्विक अपडेट्स के हवाले से बात करेंगे। गोल्डबर्ग बन चुके हैं फ्री एजेंट और टोनी खान जो हैं वो शायद गोल्डबर्ग को साइन कर लें AEW के लिए, और हो सकता है जल्दी आप लोगों को AEW के अंदर गोल्डबर्ग का डेब्यू देखने को मिल जाए। इसके अलावा रैंडी ओकन जो हैं वो करने वाले हैं अपना रिटर्न, और रेसलमेनिया 39 के अंदर रैंडी ओकन जो हैं वो होने वाले हैं, और हो सकता है वो जो हैं वो चैलेंज करें बॉबी लैशली को, या फिर कोई ऐसे मोमेंट क्रिएट करें रेसलमेनिया 39 के अंदर जो कि एक आइकॉनिक मूवमेंट भी हो और साथ साथ उनका रिटर्न भी हो। इसके अलावा जॉन सीना जो है वो फेस करना चाहते हैं लोगन पॉल को इस साल समर स्लैम के अंदर। जी हाँ दोस्तों, रूमर्स पहले ये आ रहे थे कि जॉन सीना जो है वो लोगन पॉल को शायद रेसलमेनिया 39 के अंदर फेस करेंगे, लेकिन ये मैच तो होने नहीं वाला क्योंकि सेथ रॉलिंस फेस करेंगे लोगन पॉल को, जॉन सीना फेस करेंगे ऑस्टिन थ्योरी को यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप के लिए रेसलमेनिया के अंदर। लेकिन जॉन सीना चाहते हैं कि वो समर स्लैम के अंदर, इस साल जो समर स्लैम होने वाला है उसमें जॉन सीना जो है वो फेस करें लोगन पॉल को। इसके अलावा दोस्तों, रोमन रेंस जो है वो रूमर्स के मुताबिक एक बड़ा गैप लेने वाले हैं रेसलमेनिया 39 के मैच के बाद, और ये गैप जो है वो समर स्लैम तक जाएगा, और समर स्लैम के अंदर रोमन रेंस अपना रिटर्न करेंगे। और इस चीज़ से कई हद तक ये बात शायद, अगर ये रूमर सच है, क्योंकि काफ़ी जगह से ये रूमर्स आ रहा है PW Insider और डिफरेंट रेसलिंग अपडेट्स के हवाले से रूमर्स आ रहे हैं कि रोमन रेंस जो है वो रेसलमेनिया 39 के बाद एक बड़ा ब्रेक लेने वाले हैं। तो इसका मतलब ये हो सकता है कि क्या रोमन रेंस जो है वो रेसलमेनिया के अंदर अपना मैच हार जाएंगे और अनडिस्प्यूटेड WWE यूनिवर्सल चैम्पियनशिप का, जो उनका 800 से भी ज़्यादा दिनों का रेन चल रहा है, तकरीबन 900+ दिन हो चुके हैं, तो क्या ये रेन अब ख़त्म हो जाएगा और कोडी रोड्स जो है वो रोमन रेंस को हरा देंगे रेसलमेनिया 39 के अंदर। तो ये काफ़ी ज़्यादा रूमर्स आ रहे हैं बारह, इसके हवाले से जैसी अपडेट आएगी मैं आपको वो भी बताऊँगा। इसके साथ साथ रॉक जो है वो भी रेसलमेनिया 39 के अंदर होने वाले हैं। इसकी बड़ी वजह जो है वो ये है कि अगर आप लोगों को पता हो कि WWE के अंदर जब भी कोई बड़ा सुपरस्टार जो है वो अपना रिटर्न करता है, तो WWE फैंस को हाइप करने के लिए जो है वो उस सुपरस्टार के हवाले से कुछ ना कुछ चीज़ें अपनी सोशल प्लेटफॉर्म के अंदर करना शुरू कर देती है, चाहे उसके हवाले से मैचेस अपलोड करना शुरू कर देंगे या फिर पोस्ट वगैरह ऐसी क्रिएट करते हैं जिससे ऑडियंस का जो है वो इंटरेक्शन होता रहे। वैसे इससे पहले WWE ने रॉयल रंबल के अंदर ही सारा कुछ किया था और सब फैंस को लगा था कि भाई अब तो रॉक आने वाले हैं, लेकिन रॉक नहीं आए थे। लेकिन रॉक जो है वो वन टाइम अपीयरेंस तो WWE के अंदर कर सकते हैं, एक शॉक सा मोमेंट क्रिएट कर सकते हैं, और रेसलमेनिया 39 जो है वो एग्जैक्टली वो प्लेस हो सकता है क्योंकि हॉलीवुड की थीम है, लॉस एंजलिस के अंदर हो रही है, और रॉक जो है वो हॉलीवुड के सुपरस्टार हैं बहुत बड़े और WWE के भी सुपरस्टार हैं। तो मेरे ख्याल से रेसलमेनिया 39 वो प्लेस होने वाला है जहाँ पर रॉक जो है वो अपना फाइनली रिटर्न करेंगे। एक टाइम के लिए होगा, लेकिन एक रिटर्न जो है वो काफ़ी हद तक उन फैंस को जो कि नाराज़ थे रॉयल रंबल के बाद से, उन फैंस को राशि करने के लिए काफ़ी होगा। बहरहाल दोस्तों, ये थी क्विक अपडेट रेसलिंग के हवाले से, मिलता हूँ आप लोगों से अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।